अस्सलामुअलैकुम। तो आज भी कंटिन्यू बारिश है और बारिश में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बारिश कंटिन्यू चली आ रही है। खैर अल्लाह का एहसान है कि बकरे सारे सेफ है और बाहर के भी हालात ज़्यादा बिगड़े नहीं है। बारिश रात भी हुई थी, अभी सुबह भी बारिश है और अभी कंटिन्यू 3 दिन की बारिश है। बड़ा हार्ड फेस चल रहा है ये। दिक्कत सिर्फ अब इतनी सी रह गई है कि जानवर ना एक जगह खड़े खड़े बोर हो गए हैं और इनको बाहर भी नहीं घुमा सकते। प्लस अभी कुछ जानवरों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जैसे पैर में जो लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आएगी। हमारे यहाँ पे फार्म पर ही अल्लाह का शुक्र है अभी तक ये दिक्कत नहीं आई है, लेकिन लोगों के यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर ऐसा कोई केस आया तो मैं पहले तो उनको पेन किलर दूंगा ताकि उनके पैरों में दर्द ना रहे, और एक पोटेशियम परमैंगनेट आता है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप उसको नीला पानी भी बोलते हैं काफ़ी जगह पर, वो पोटेशियम परमैंगनेट, उसका पानी लेके बकरों के खुर वगैरह साफ करें। उससे क्या है कि जितने भी जो भी बकरों के खुर में प्रॉब्लम आ रही होगी आने वाली होगी उससे ठीक हो जाती है। मैं अभी ये चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अभी सब कुछ ठीक है, और जब बारिश रुकेगी मैं तब ये काम करूँगा। लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है, उन लोगों के लिए है कि पोटेशियम परमैंगनेट करके आता है वो लाए और अपने बकरों के सबके पैर खुर उससे बहुत अच्छी तरीके से धो दे, और जो बकरे लंग्स कर रहे हैं उनको गर्म पानी से जितना ज़्यादा हो सके पैरों की झराई करें, इंशाल्लाह आपके बकरों को आराम हो जाएगा। एक ऑप्शन ये निकल सकता है अगर मैं चाहूँ कि जैसे बच्चों को घूमने की जगह नहीं मिल रही है अंदर, तो जो पार्टीशन है उन पार्टीशंस को हम हटा दें। जो हमने बाड़े बनाए हुए हैं वो सारे मैंने फोल्डिंग टाइप बनाए हुए हैं, यहाँ पे पैलेट बांधे हुए हैं, तो वो पैलेट अगर मैं खोल देता हूँ तो जानवरों को खुलने की घूमने फिरने की जगह थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। इतना हो सकता है कि जो नए बकरे हैं वो परेशान करेंगे बच्चों बड़े बकरों में आके, लेकिन वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी, 2-3 घंटे में बकरे एक दूसरे को समझ लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा हो सकता है। अभी देखते हैं पूरे स्टाफ की प्लानिंग करके कि क्या होता है। तो इंशाल्लाह मैं ये चीज़ जो बाड़े हम लोगों ने बनाए हुए हैं जो पीछे आप देख रहे हो इसको खोल देंगे और एक ही सार करके हम सारे बकरों को फीड कराएंगे। जैसा भी रहेगा इंशाल्लाह स्लोक में आपको देखने को मिलेगा। सूरज दिखने लग गया है और उम्मीद है कि शायद से सूरज निकलेगा, उम्मीदों का सूरज, और चाँद ना बढ़ता जा रहा है यानी कि सूरज दिखता जा रहा है। अब थोड़ी सी हवा चलेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बारिश रुक जाएगी। बारिश रुक जाए अल्लाह रोक दे बारिश, क्योंकि अपना एक होता है ना कि थोड़ी सी बारिश हुई अच्छा मूड हो गया सब कुछ है, लेकिन अपना बारिश ही बारिश हुए जा रही है। हमने सूखा ही नहीं देखा, साल हो गए हमें देखे हुए सूखा, इतनी बारिश हो गई बकरे बाहर नहीं निकल रहे। और सबसे बड़ी चलो बकरों की तो खैर है ही परेशानी, सबसे बड़ी इंसान इन पैरों में भी हमारे अजीब सा हो गया है, जलन टाइप का चला नहीं जा रहा पैरों से भी, क्योंकि रेत वगैरह में चल चल के पैर भी कट से गए हैं। और दूसरा है कि घर जाओ वहाँ भी पानी, पाम पे आओ यहाँ भी पानी, रास्तों में पानी, हर जगह पानी पानी देख के ना अजीब सा हो गया है। और जिसका भी यार हंस रहा हो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि हंसना बंद कर दे, ठीक है। बहुत बारिश हो चुकी है, बारिश से अब हम परेशान हो गए, और खैर अल्लाह का शुक्र है अच्छी तरीके से हमने टैकल किया। ये जो फार्म का हमने रिनोवेशन किया था, ऊपर का जो पर्दा वगैरह हमने लगाया था, उससे इतना फ़ायदा हो गया कि अल्लाह का शुक्र है बकरे बिल्कुल सेफ खड़े हैं, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ रहा। ये करोड़ों एहसान मालिक के माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेहनत करने का हौसला दिया। और उस दिन हमें 1-2 घंटे 3-4 घंटे का टाइम मिल गया बकरों के से अलग और बारिश से अलग कि हमने काम कर दिया, और ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। इंशाल्लाह जितना जल्द हो सकेगा हम अपने फार्म को पक्का कराएंगे, रिनोवेट कराएंगे और इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी मौसम हमारे फार्म पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाने का जो अब डालता है। अब एक चीज़ मैं और सीखा हूँ इस साल के एक्सपीरियंस से, आप लोगों से भी शेयर करता हूँ कि जो बकरों के रहने का बाड़ा जो होता है उसको बड़ा बनाना चाहिए इंसान को, कभी छोटा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले मेरी थिंकिंग ये थी कि यार बकरों को रात रात को यहाँ पे रुकना पड़ता होगा, बकरों को घूमने का एरिया ज़्यादा चाहिए होगा, बट एक्चुअली जो मैंने अपने यहाँ के क्लाइमेट में ऑब्जर्व किया है कि बकरे को हमारे यहाँ पर अंदर बाड़ों के 6 महीने रोकना पड़ता है। जैसे अभी फिलहाल 8-10 दिन हो गए बकरे बाहर ही नहीं निकले हैं, और सर्दियाँ जब आएगी सर्दियों में भी बकरे मोस्टली अंदर ही रहेंगे, तो अंदर हमें खिलाने का स्पेस इतना नहीं मिल पाता जितना बड़े बकरों को चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं मेरे फार्म का हाफ एरिया बकरों के शेड बनाऊं, जहाँ पे बकरे रात को दिन में बारिश से बच सके, धूप से बच सके और गर्मी से बच सके। जो बाहर खुला एरिया होगा वो हम अलग से बकरों को घुमाने के लिए अलग जगह अगर लेनी पड़ी हमें ले लेंगे, लेकिन हम इस साल जब से ज़्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो बड़े बाड़ों पे करने वाले हैं, ताकि जब हम रात को बकरों को फीड कराएं या फिर सर्दियों में या बारिश में फीड कराएं तो हम अंदर जब करा रहे हो तो हमारी बकरे एक दूसरे को मारे ना, चोट ना पहुँचाए, नुकसान ना हो और बकरे परेशान ना हो कि वो एक ही जगह पर खड़े हैं। ये मैंने सीखा है, बाकी हो सकता है कि गलत भी हो, मगर मैं मेरे फार्म पर ये करने वाला हूँ। मैं मेरे बाड़ों को इतना बड़ा बनाने वाला हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर बकरे 20-20 दिन भी बाड़ों में खड़े रहे तो उनको फील नहीं होगा कि वो बंधे हुए हैं या वो एक ही जगह पे खड़े हैं इंशाल्लाह।
बाकी दुआ करना हमारे लिए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करे और ऐसे ही हम आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मज़ा आ रहा है अब मज़ा आने लग गया, लोग बाग नोटिस कर रहे हैं व्लॉग्स वगैरह को, और सेलिंग के बच्चों के लिए काफ़ी सारे कॉल्स हैं। तो भाई लोग देखो ऐसा है कि इस मौसम में मैं जानवर नहीं खरीदने वाला, मैंने खरीदे भी हुए हैं तो वो रोके हुए हैं जानवरों को राजस्थान में। जल्द से जल्द इंशाल्लाह सब कुछ ट्रैक पर आए, मौसम थोड़ा हल्का हो बारिश से हटके तो बकरे भी आएंगे। वो जो मेरा दूसरा फार्म है जहाँ पर हमारे नर बकरे खड़े हैं, वो सारे बकरे खस्सियों के इस साइड आएंगे और वहाँ पर हम अच्छी सी लोकेशन बनाकर सारा सामान जो भी वहाँ पर वेस्टेज है उसको हटाकर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ट्रेडिंग का पूरा सेटअप उसको कर देंगे। बात सुनना, सिर्फ बात, क्या बात कह रहा है, कौन सा तेल लगा रहा है? ये भी सही बता, कसम से भाई दिखा दीजिए जरा, कितने रुपए का लगाया था तेल? 300 का। बाल बड़े करने के लिए इसके बाल कटवा दिए थे तो मुझे लगा कि शायद से उसका नवरत्न का तेल लगा रहा होगा, लेकिन बता रहा है कि कहीं से तेल मंगवाया इसने। कौन सा तेल है? इंग्लिश विजाल जाबरवंदी हेयर ट्रीटमेंट ऑयल सॉफ्ट एंड जेंटल होम्यो केयर 100%। 150 रुपए का तेल सर पे लगाया जा रहा है किस खुशी में? बाप को है नहीं यार। क्या हुआ बता दो? कटवा देते बाल, इसके फादर साहब ने इसके बाल कटवा देते तो इसने बाल बड़े करने के लिए ये काम कर रहा है। क्या बात है, हमें नहीं पता था हमारे फार्म पर मेकअप का भी सामान रखा है। शौक करना हो ना अगर तोतापुरी का या किसी भी बकरे का तो ऐसे बच्चों का करो, घर में भी अगर पालोगे तो ये इतने फ्रेंडली भी होते हैं, प्लस क्वालिटी है, खूबसूरती है और इतने ज़्यादा फ्रेंडली है कि जब आप इनकी कुर्बानी करोगे ना पूरा साल पाल के तो आपकी आंखों में आंसू गारंटेड आएंगे, क्योंकि ये जानवर खुद से मोहब्बत कराना जानते हैं। देखो कितना माशाल्लाह फ्रेंडली बच्चा है, है ना। तो ऐसे जानवर खरीदने की कोशिश किया करो जो आपके खिलाई का हक भी अदा कर दे और आपसे मोहब्बत भी करे और आपको मज़ा भी आए उनका शौक करते हुए। फाइनली थोड़ा सा रेस्ट मिला हमें बारिश से, बारिश ने थोड़ा सा रेस्ट दिया है 15-20 मिनट का, फिर शुरू होगी। और अभी हमने यहाँ से बाड़े वगैरह खोल दिए, सारे बकरों को स्पेस मिल गया घूमने फिरने का माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। धूप निकलती हुई है ना, बरसात कैसे निकलती है कि 2 मिनट में ना इसी होने शुरू हो जाती है। तुम्हारे साथ हुआ क्या था ये बताओ पहले पूरी कहानी। अच्छा तो मैं बात कर रहा हूँ, फोन नंबर लगा थी। अच्छा हाँ तो उन्हें बोले हाँ ठीक है, बोले डाल दो, बोले पहले उन्हें 1000 रुपए लिए। अच्छा 1000 रुपए लिए पहले उन्हें। अच्छा ये बोले वो बिल बना के भेजे, जो बिल पता है भेजा मैंने आपको। अच्छा ये तो गाय का बिल है, इस पे तो गाय का ना, इस पे तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे तो लिखा हुआ भी काओ है, गाय का बिल है, बकरे का तो बिल है ही नहीं है। हाँ ना वही तो। तुमने पैसे तब तुमने डाल दिए पैसे गाय का बिल देख के? काओ का ही बोले उन्होंने, वैसे डाल सकते बोले। यार एक बात तो बताओ मेरे भाई, खरीद तुम बकरा रहे, बिल तुम गाय का बनवा रहे हो, और फिर तुम एक बार बताओ ना, बोलो ना, तुम्हारी गलती है टोटल। पूछो क्यों गलती है? पहली चीज तो ये है कि जो पतीरा का बकरा आप देख रहे हो ना, 40,000 से नीचे का बकरा वो है नहीं, जी भाई। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि फ्री में कोई आदमी किसी को सामान नहीं बेचता, उसको ये लोग करते क्या है, ग्रुप वगैरह में से वीडियोस उठाएंगे, आप जैसों को वीडियो लगाएंगे, आपको इतना समझदारी होनी चाहिए कि कितने रुपए की चीज़ है मुझे इतने की क्यों मिल रही है, ध्यान रखना। और आपके जैसे यकीन करना डेली के फंसते हैं उनको, 8,000 रुपये उसने कमा लिए तुम्हारे से, अब खत्म कहानी, अभी 5,100 रुपये और डाल दो तो वो और कमा लेगा तुम्हारे से। बताओ ये दादा भाई मैंने लोकेशन भेजा उनकी। भाई मैं सब कुछ देख चुका, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो नाम सुन के ही बता दिया मैंने, सुरेंद्र कुमार चौधरी का जो उन्होंने भेजा है ना, हो सकता है ये आधार कार्ड भी इसका ना हो। आधार कार्ड पे तुम लोग यकीन क्यों करते हो मुझे तो बताओ, आधार कार्ड तो मेरे पास, जैसे हम मसाला सेल करते हैं, हजारों लोगों के पड़े हैं मेरे पास आधार कार्ड में, किसी का भी डाल के कहीं उसको थोड़े फंसा दूंगा मैं। जब भी कभी सौदा करें ना मेरे भाई, तो जिस तरह बाद में फोन करते हो ना कि भाई मैं इतना मेरा लूट गया, मैं मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उससे पहले इन चीजों का करना चाहिए। 8,000 रुपये में कट्टू का माल आएगा, बकरा नहीं आने का, उससे ज्यादा माल खरीद। ये हमारे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे ना कुछ जो क्या नाम है इस वेब के बकरा इंडस्ट्री के नामी लोग हैं ना, वो इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हैं और कोई इस बारे में बात करता नहीं है, और लोगों के करोड़ों रुपए खत्म हो चुके हैं। आए दिन वहाँ हाथ जोड़ते मिलते हैं लोग बात की, भाई हमें बचा लो इन चोरों से। आपके साथ तो आठ का ही हुआ है, लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ये 260 रुपए किलो का माल दिखा के बुला लेते हैं अजमेर में, वहां से 5-6 लाख रुपए जेब में रख लेते हैं। कर लो क्या करोगे आप इनका? तो ये
अभी यानी जो लोकेशन भेजा अगर वहाँ पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप चले जाओ, अगर आपको लगता है कि वहाँ जाके कुछ हो जाएगा तो मेरे जो कॉन्टेक्ट है मैं आपको नंबर दे दूंगा उनका, आप उनसे बात कर लेना एक बार कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह जो भी आपके निकल सकेंगे, मैं एक नंबर भेजता हूँ आपको, उनको फोन करके बताना कि कादिर ने नंबर दिया है, कुछ पैसे अगर मेरे वापस आ जाए तो देख लो। तो वो उन्होंने बोले कि बोले आप पैसे रिटर्न बोले 6 महीने के बाद होंगे। हाँ तो 6 महीने के बाद बता रहा है कि पैसे रिटर्न 6 महीने के बाद होंगे। क्यों भाई? अभी आप लोग देखना क्या लेवल का फ्रॉड चलता है। 8000 रुपए में पतीरा मुंडा बच्चा 40-45 किलो का फुल गुलाबी जो इस भाई को बेचा हुआ है। हेलो 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 भैया। हाँ भैया, ये 8000 रुपए में पतीरा बच्चा बेचा आपने इसको भाई को है? अरे ये बच्चा तो 1 साल पहले बिक चुका मुंबई में। भाई मेरे सुरेंद्र कुमार बोल रहे हो ना? सुरेश बात कर रहा हूँ। सुरेश बात कर रहे हो ना? 48 घंटे बाद क्यों होगा? कोई कंपनी खोल रखी है क्या जो 48 घंटे बाद होगा? जीपे मारे थे, जीपे मार दो आप वापस उसको। ये जो बकरा आप बेच रहे थे, एक बात तो बताओ, ये जो बकरा था ये तो बकरा मैं 1 साल पहले बेच चुका मुंबई में। हाँ खरीदा था ये। नहीं तो ये तो बकरा ही कट चुका, ये बकरा कैसे बेच दोगे तुम जब ये बकरा ही कुर्बानी हो गया? हाँ तुमने खरीदा, तुमने कुर्बानी किया। तो तूने बकरा क्यों दिखाया इस भाई को जब ये बकरा का नाम है ही नहीं तुम्हारे पास? क्या बता दीजिए, जमा करा रहे नहीं करा रहे? क्या चीज जमा करा रहे नहीं करा रहे? कौन सी पेमेंट? ये 51। मतलब 5100 रुपया तुझे और देंगे और तू बकरे के क्या नाम है मरे हुए बकरे को, कटे हुए बकरे को वापस ला के देगा जी। यार क्यों 8000 रुपया? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या ये तो बताओ? किसी गरीब के पैसे ले रहे हो, 8000 रुपये कितने दिन खा लोगे ये तो बता दो। इतनी तगड़ी चोरी छकारी, ये गरीब आदमी है, 8000 रुपये में चल तूने से लूट ही लिया, तो इससे 51 रुपया और मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ तो उसके पैसे दे दे, कभी जिंदगी में किसी आदमी का पैसा खा के आदमी कामयाब हुआ क्या भाई? ये बकरा ही नहीं है इस दुनिया में, तो कैसे इस बकरे को खरीद सकता है और किस तरह इस बकरे को बेच सकता है तू? हेलो काटिया भाई ने बोल। लो बताओ क्या करे इसका भाई? वो ट्रांसपोर्ट वाले को फोन लगा के जिनने जो वो मांग रहा था, ट्रांसपोर्ट वाला जो ला रहा था उसको, ने उसका भी फोन आ रहा है। लगाओ जरा फोन उसको, देखो कौन सा ट्रांसपोर्ट वाला है वो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो हेलो भाई, वो बकरा जो तुम ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे थे इस भाई का मुंबई में, ये बकरा तो 1 साल पहले कट चुका, तुम कैसे लेके आ रहे थे इस बकरे को? ये बकरा कट चुका है, कौन बोल रहा है कट चुका है? मैं बोल रहा हूँ कट चुका है, मैंने खुद ने बकरा बेचा था और 1 साल पहले के कट भी गया बकरा। अरे मेरी बात सुना मेरे भाई, 8000 रुपए में भाई मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ इसके 8000 रुपए रिटर्न करा दो बंदे के, क्यों बे मतलब इसको लूट रहे हो? 8000 रुपए में तुम पतीरा बेच दोगे क्या? ओहो लो भाई सुन लो, क्या नाम है भाई? हेलो हेलो, ये बताओ पेमेंट जमा करा रहे नहीं करा रहे? मैं क्या कह रहा हूँ सर, तुम पेमेंट जमा करा रहे नहीं करा रहे बताओ मेरे? इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, ये देखो पेमेंट अभी भी मांग रहे हैं 8000 रुपए का बकरा बेचने के बाद भी, अभी मतलब इसको बंदे को बोल रहे हैं 5000 रुपए और जमा करा दो। अब बताओ क्या कर सकते हैं? काफी सारे लोग इस चीज को बोलते हैं ना कि भाई फ्रॉड हो रहा है अजमेर में, ये सामने लाइव प्रूफ है, देख लो, लाइव दिखा दिया तुम लोगों को कि कैसे लोग चोरी करते हैं। हेलो बादर भाई। हाँ भाई। तो ये भाई मैं कल आ जाऊं? भाई अजमेर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे क्या नाम है ये वाली वीडियो मैंने बना ली है इनकी, जितने भी मेरे सोच है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई मारेंगे, पप्पा तो मारने वाले काम कर रखे हैं, बताओ 8000 रुपए में तुम बकरा खरीदने गए हो ना? हाँ
आप थोड़ा सा ये भी तो देखो ना कि मार्केट में इसके रेट क्या है। एक बार इस बकरे को डाल के जो सेलर होगा ना उससे बोलना कि भाई ये मैंने 8,000 में लिया है, वो तुम्हारे पैसे का। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, लगना भी चाहिए तुम्हारे पप्पा के हाथ से। अगर पप्पा के हाथ से नहीं लगेगा ना तो आगे भी दिक्कत आएगी तुम्हें, आगे भी तुम इसी तरह 8,000 रुपए के बकरे। अच्छा तुम खुद बताओ, यहाँ मैं बैठा हूँ रुड़की में कलियर शरीफ, ठीक है, और मैं यहाँ से कम 400 किलोमीटर दूर हूँ। अब इसका गांव कौन सा होगा? सारा चोरों का शहर है भाई, पूरा चोरों का शहर है टोटल, जो इनके गांव होते हैं ना टोटल यही काम करते हैं वो लोग। तुम्हें इसी भी चलो, अब 8,000 डूब गए भाई बात तुम्हारी। मैं बोल रहा हूँ उस चीज को तो, क्योंकि मैंने जी तो गाड़ी के मालिक का नाम है ना, मैं क्या कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट वालों से बात करके ना, जिस दिन गाड़ी आएगी ना मुंबई में गाड़ी पकड़ लेना। तो इस गाड़ी वाले का नंबर वगैरह पुलिस कंप्लेन कर सकते हो आप, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, सब कुछ आप कर सकते हो, आपके हाथ में है। लेकिन अब तुम खुद बताओ ना, जो बकरा कट चुका है एक साल पहले जा चुका है, इस बकरे को ये कैसे बेच देंगे? मुझे थोड़ी सी इतनी इंक्वायरी दे दो आप। तो ये पैसे रिटर्न नहीं आएंगे ना भाई? भाई किस तरह दे देगा वो पैसे, ये तो बताओ। जिसने चोरी के लिए, एक बार बताओ, चोरी करके वो चला गया, 8,000 रुपए की रकम तुम्हारी इतनी छोटी है कि इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा। इस पे कोई भी कार्रवाई अगर कर सकता है ना तो वो आप लोग ही हो। आप लोग जितना इसकी कंप्लेन डलवाओगे ना पुलिस थाने में, इसका आधार कार्ड दोगे तो हो सकता है इसके पास पुलिस जाए। लेकिन मुंबई वालों के या हमारे या हर तरफ के इलाकों के लोगों ने इसी तरह पैसे बहुत मार रखे हैं, इसके खिलाफ कोई एक्शन ज्यादा नहीं होता। आज तक मैंने नहीं देखा किसी के पैसे बाहर आए हो। मैं एक बंदे का नंबर भेज रहा हूँ, उसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, उसका अगर कुछ हुआ तो शायद पैसे बाहर आ जाए। मैं नंबर दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दिया तुमने मुझे, ठीक है ना भाई? ठीक ठीक मैं डालता हूँ थोड़ी देर में। जी कैसी मदद करोगे तो, कैसी मदद करूँ बताओ? पैसे नहीं दे सकता भाई मैं, पैसे पैसे मैं क्यों दूंगा? अच्छा बताओ, गलती तुम करो, पैसे मैं पैसे निकलवा के देने की भी कहानी ये है कि भाई मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ, इनका बता सकता हूँ कि आगे लोग ना फंसे। आप मेरी बात सुनो ना, मेरी अगर आप मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, बताओ मैं कितनी बार बता चुका हूँ चीजें। अगर आदमी बताने के बाद भी गलती करेगा तो फिर तो देखो भरना लाजमी है। देखो मैं खुद से चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये हुआ ना तो थोड़ा सा आपको पता लगे। मैं बार बार लोगों को ये बात कहता हूँ कि 8 फ्री के माल में भाई ऐसे ही होता है, फ्री के माल ऐसा ही होता है, आगे ध्यान रखना इस चीज का। अभी तो खैर चलो मैं नंबर भेज दूंगा, आप उससे बात कर लेना, वो तुम्हारे पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा। और बंदा ऐसा है कि उसके अलावा कोई पैसे निकलवा नहीं सकता। वो बकरा मैंने नहीं बेचा था, मैंने उनको सिर्फ बोलने के लिए बताया था, लेकिन ये बकरा मेरी नज़र में आया था आपसे एक साल पहले। मैं वीडियो लगाऊंगा, आप चेक कर लेना। इतना नायाब बकरा है कि अगर मैं खुद पर्सनली अपने लिए खरीदूँ तो कम से कम 30,000 रुपये से नीचे का भी बकरा ना मिले मुझे। 30,000 सबसे मिनिमम रेट है जिसको मजबूरी में बेचना पड़े, वरना 60,000-70,000 रुपये का बकरा है। और कहानी ये फंसा दी इस बच्चे के साथ कि क्या नाम है अजमेर में, और अब क्या कह रहे हैं 8,000 देने के बाद कि 5,000 रुपये और डालो तो प्रोसेस हो रहा है, बिल बन रहा है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि एक आदमी ने तो अपना हिस्सा ले लिया, अब दूसरे आदमी को हिस्सा देना है तो वो अपने पैसे मांग रहा है। क्योंकि देखिए उसकी मजबूरी आप देख सकते हो, वो बेचारा पैसे तक मांगने को फिर रहा है कि मेरे अब्बा बहुत मारेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि उसके लगे, ताकि उसको अकल आए कि चीज़ों के रेट देने से पहले, चीज़ों को खरीदने से पहले इंक्वायरी कर लो। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी फ्रॉड है, लेकिन गोट फार्मिंग में याद रखना 90% लोग चोर है। मैं किसी से किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% लोग चोर है। आपको आपकी किस्मत है, आपकी होशियारी है कि आप किससे काम कर रहे हो। मैं अपने आप की बात बता दूँ, मैं खुद यकीन करना इस लाइन में शुरू में बहुत ज़्यादा लूटा था, उसके बाद यहाँ आया हूँ। तो ले ही सकते हो, सीख जाओ कि फ्री का माल मत लेना। और अजमेर साइड में स्पेशली अजमेर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड अजमेर में होता है बकरों को लेके। तो कोशिश करना आधार कार्ड पे बकरे मत खरीदना, किसी के भी आधार कार्ड पे। देखो अब इसने आधार कार्ड भी भेज दिया, बताओ क्या हो सकता है इसका? कुछ नहीं हो सकता, चोरों का शहर है, कुछ भी नहीं होने का। अगर वहाँ अच्छे लोग हुए तो फिर ये बुरे लोग वहाँ पर क्यों पनप रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन है उन लोगों से जो वहाँ पर अच्छे लेवल की गोट फार्मिंग करते हैं कि तुम्हारे होते हुए वहाँ पर ये लोग पनप क्यों रहे हैं? अगर पनप आप लोग सपोर्ट करोगे, ये लोग पकड़े जाएंगे तो शायद आगे काम नहीं होगा। तो ये अजमेर वालों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है।
भाई लोग आपको बिजनेस करना है, आगे भी आपको बकरे बेचने हैं, तो प्लीज़ इन पहले अपने यहाँ की गंदगी को साफ करो ताकि यहाँ पर आदमी सेफ व्यापार कर सके। हर तीसरे दिन मेरे पास ये मैसेजेस आते हैं, जबकि मेरा बहुत छोटा सा सर्कल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि भाई हमारे इतने पैसे लूट गए, इतने लूट गए। आप लोग ही हो जो पैसे निकलवा सकते हो, आप लोग ही हो जो इनको हटा सकते हो। पुलिस कंप्लेन में लोगों का साथ दो, सब कुछ करो ताकि ये चीज़ें ना हो। और जिस भाई को उसका लड़के का नंबर चाहिए होगा पर्सनल में, मैं नंबर भी भेज दूंगा, इसका नंबर मैं पब्लिक नहीं कर सकता, बट अगर किसी को चाहिए होगा जो उसकी मदद करना चाहता हो, मैं सबसे कहूँगा पैसे दे के मदद मत करना, क्योंकि फिर ये आगे भी फंसेगा। पैसे मत देना, हाँ अगर इसके पैसे निकलवा सकते हो तो ज़रूर मदद करना। अजमेर साइड के लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़। और अगर मेरी आप लोगों के कॉन्टैक्ट में अजमेर के लोग हो तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना, ताकि वो लोग ये देखे और देखे कि लोग बाग कितने मजबूरी हो जाते हैं इनसे। इंशाल्लाह से बारिश रुक गई है और मौसम फिर से बारिश का बना है, लेकिन थोड़ी देर धूप निकली थी, बकरे वगैरह थोड़ी देर बाहर के लिए निकले हैं। और अपन लोग क्या है कि इतना सफाई करवा रहे हैं फार्म पर, क्योंकि 4-5 दिन से झाड़ू वगैरह नहीं लगी है, तो फार्म पर थोड़ी सी स्मेल वगैरह की दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तो मैं बार बार जैसे बोलता हूँ आप लोगों को भी कि जितना हो सके साफ सफाई कराने की कोशिश किया करें अपने फार्म्स वगैरह पर, फार्म पर हो या घर का शौक हो कोई भी हो, तो सफाई बहुत ज़रूरी रहती है जानवरों के बीच में। इस तरफ की सफाई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, उस तरफ की जा रही है ना सफाई, कर दी है उधर भी कहाँ करी है, तो सारा ऐसे ही पड़ा झाड़ू मारने के बाद। अच्छा ठीक है, चलो। बारिश रुकने से माशाल्लाह किस कदर जानवर रिलैक्स हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करोड़ों एहसान, बहुत अच्छे से बकरे सुकून से सेट हो गए। और इस मिट्टी को डलवाने का मेन फ़ायदा देखो ये रहता है, जो मुझे काफ़ी सारे 2-4 दिन से लोग बाग बता रहे थे कि भाई ये मिट्टी क्यों डलवाते हो, पक्का क्यों नहीं रखते। 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश थी, कीचड़ हो रहा था, और अब यहाँ पर देख लो ये मिट्टी फिर से पानी सोखने लग गई। और अगर ये धूप अगर ढंग से निकल गई ना 2 घंटे, तो यहाँ फिर से नॉर्मल ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ व्यू, मज़ा आ गया देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम खुल चुका है, बारिश का मौसम ख़त्म हो गया शायद, और अभी धूप निकल चुकी है, इसका मतलब है फार्म पर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। धूप में आए हाय क्या मज़ा आ रहा है ना। आप लोगों को ना एक गुड न्यूज़ देनी थी, उसके लिए अपन ने अभी वेट भी नहीं किया फार्म पर जाने का। हमारे अभी थोड़ी देर पहले ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। अभी बहुत दूर तक जाना है और इंशाल्लाह साथ में ही चलेंगे। तो जितने लोग जुड़े हैं अभी हाल ही में, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है कादिर मलिक और हम हैं रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड, कलियर शरीफ साबिर साहब दरगाह से 11 किलोमीटर दूरी पर हमारा फार्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि हम लोग यहाँ से बाहर के लोगों के बकरे पलाई पर रखते हैं, गुजरात सूरत मुंबई और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बकरों के क्या नाम है ऑर्डर्स रहते हैं, और हम लोग सेल परचेज भी करते हैं। हम एक फीड सेल करते हैं बकरों की जो 1,000 रुपये की पड़ती है 1 kg, डिलीवरी चार्जेस उसका फ्री रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के जो उसके रिजल्ट्स हैं 100% ऑल ओवर इंडिया उसके रिजल्ट्स आए हैं, और कंटिन्यू हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो था, और थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर, थैंक यू सो मच। एंड अभी बहुत दूर तक जाना है, आज दो खुशियाँ हैं, एक तो 10,000 सब्सक्राइबर की और दूसरा इस धूप की जो मेरे चेहरे पर भी पड़ रही होगी माशाल्लाह से। एंड अभी चलते हैं फार्म पर इंशाल्लाह, और वहाँ पर जाके थोड़ी सी बातें करते हैं अपने लोगों से, अपने शाफ से, और फिर देखते हैं क्या चीज़ें आप लोगों तक आ सकती है। वो मैंने जो आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर पानी आ रहा है, अंदर तो खैर पानी नहीं है, दीवारों पर जो सिलाब आती है, लेकिन यहाँ पर पानी आया है अल्लाह का शुक्र है। कुछ पत्ती हमारी भीगी थी, बट वो हमने बकरों को खिला दिया, और इस तरफ हमने अपनी पत्ती कर ली है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को जाकर एक पन्ना ले आऊँगा और इसको ऐसे करके ढक दूँगा ताकि यहाँ से कोई चीज़ें ख़राब ना हो। ये वाली पत्ती हमारी बहुत अच्छी पत्ती है जिसको बकरे अच्छे से खा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये ख़राब हो। तो माशाल्लाह से धूप वगैरह निकल गई है, और दोबारा से हम लोग आज अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन रहा। 5-6 दिनों से काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया। 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं आया हूँ दरगाह शरीफ, ऐसे हर जुमेरात को मैं आता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमेरात का भी दिन है, और हमारे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट, 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं। सरकार साबरे पाक की दरगाह पड़ती है कलियर शरीफ रुड़की में, वैसे तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं जो पूछते रहते हैं कि भाई ये दरगाह पड़ती कहाँ पर है। सरकार साबरे पाक की दरगाह पड़ती है रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड पिरान कलियर शरीफ में, और यहाँ से हमारा फार्म 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारे फार्म का नाम साबरी गोट फार्म इसी दरगाह के नाम पर लिया गया है। इसी
सरकार साबिर पाक की दरगाह पर मैं हर जुमरात को आता हूँ। ये दरगाह हमारे फार्म से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा फार्म दरगाह से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड कलियर शरीफ साबिर साहब की दरगाह है और हमारे फार्म का जो नाम है साबरी गोट फार्म वो साबिर पाक सरकार के नाम की नस्बत से ही लिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े एहसान है, मैं हमेशा यहीं आता हूँ। जब भी मेरी कोई परेशानी हो या खुशी हो मैं सबसे पहले यहीं पर ही आता हूँ और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सरकार के इतने करीब मुझे होने का, कितने करीब मैं रहता हूँ। एंड गाइस अगर आप लोग क्लियर आते हो और आपको फार्म पर आना हो तो आप लोग दरगाह पर आकर सर्च कर सकते हो लोकेशन साबरी गोट फार्म, इंशाल्लाह आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। एटीएम ले लिया मैंने ना, यूट्यूब की इनकम इसमें रखूँगा सारी। मेहरबान भाई, ये क्या देता तुम मुझे? लोग काम कर रहा है इसका, देखिए।